मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ है। तो इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर 2023 की सुबह 5:07 से हो जाएगा, जिसका समापन 9 दिसंबर 2023 सुबह 6:32 पर हो जाएगा। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त जो शुद्ध एकादशी होगी वो 9 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सुबह 4 से ब्रह्म मुहूर्त से आपका व्रत आरंभ होगा, जो कि अगले दिन यानी 10 दिसंबर 2023 रविवार की सुबह 7:11 से लेकर के 9:11 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण का एवं एकादशी माता का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत आपको कब रखना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा आपको कब से कब तक रखना चाहिए, और एकादशी व्रत में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ व्रत का काफी महत्व है। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका अपना एक विशेष महत्व है। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी या उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है, और जो भक्तजन, माताएं, बहनें इस व्रत को करते हैं या पूजा को करते हैं तो उनके सारे जो जन्म के पाप होते हैं, कष्ट होते हैं, संकट होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ है। हर साल की तरह इस बार यह एकादशी मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही आ रही है। एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर 2023 सुबह 5:07 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जिसका समापन 9 दिसंबर 2023 की सुबह 6:32 पर हो जाएगा। तो एकादशी का जो व्रत है वो 9 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन ही सभी को रखना है, क्योंकि इसी दिन शुद्ध एकादशी रहेगी। इसलिए सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को उत्पन्ना एकादशी, उत्पत्ति एकादशी का व्रत 9 दिसंबर 2023 शनिवार को रखना है, और इस एकादशी व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो 10 दिसंबर 2023 रविवार की सुबह 7:11 से लेकर के 9:11 तक का समय व्रत का पारण करने का होगा, यानी व्रत खोलने का समय होगा। जो भक्तजन, माताएं, बहनें उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे वो दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। दशमी के सभी नियमों का पालन 8 दिसंबर को करना है और 9 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखना है तथा 10 दिसंबर को एकादशी व्रत का पारणा करना है। एकादशी का जो व्रत रखता है उसको दशमी तिथि के दिन एक समय भोजन करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें तथा लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चावल का उपयोग दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन शहद नहीं खाना चाहिए, पराया अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए।
यदि किसी कारणवश दूसरे के घर का भोजन करना पड़े तो उसके निमित्त प्रायश्चित स्वरूप दान पुण्य यदि आप कर देंगे तो आपको वह दोष नहीं लगेगा। तथा एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करें और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प लेने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। सर्वप्रथम भगवान का पूजन अर्चन करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को साक्षी मान करके इस दिन केले के वृक्ष की पूजा भी करें। भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। जो लोग इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन मां एकादशी की विशेष पूजा अर्चना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही जो कोई इस दिन देवी एकादशी की पूजा करता है उसे अपने पिछले जन्मों से जो पाप किए हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेगा उसको धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाएगी। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 गौ दान का पुण्य फल प्राप्त होगा और कई प्रकार के अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल इस एकादशी को करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद इस दिन बिल्कुल न करें। मन को प्रसन्न रखें तथा इस दिन अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल न करें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल न करें। भूमि को खोदना नहीं चाहिए और पेड़ पौधों को काटना या छांटना नहीं चाहिए। वैसे तो तुलसी जी इस एकादशी व्रत में अनिवार्य होती है, तो आप यदि तुलसी पत्र तोड़ना चाहते हैं तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ करके रख ले। लेकिन किसी कारणवश आपने तुलसी जी से पत्ते नहीं तोड़े हैं तो आप एकादशी के दिन भी तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म या मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड अवस्था में आती है तो ऐसे में भी उनको व्रत करना चाहिए, लेकिन पूजा अर्चना नहीं की जाती है। एकादशी की जो रात्रि होगी उसमें जागरण करने का विधान है, पूरी रात जाग करके भगवान का भजन एवं कीर्तन करना चाहिए। एकादशी रात्रि जो जागरण रहेगा वो 9 एवं 10 दिसंबर की रात्रि का जागरण रहेगा और 10 दिसंबर को सुबह सूर्योदय से 2 घंटे की अवधि के बीच में आपको व्रत खोलना चाहिए या व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे अगले दिन प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर ले। जल तुलसी जी के पत्ते से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन बादाम खाने का विशेष महत्व है। इस दिन बादाम अवश्य ही भगवान को अर्पण करके और स्वयं खाना चाहिए तथा इस व्रत का पारणा अगले दिन यानी 10 दिसंबर को ही करना है। जब हम व्रत का पारणा करते हैं उस दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान कर लेवे और भगवान का पूजन अर्चन करके मन ही मन स्मरण करे, संकल्प ले कि आज मैं एकादशी व्रत का पारणा करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। यदि आप अपने किसी भी मृतक परिजन को, पित्र को एकादशी का पुण्य प्रदान करना चाहते हैं तो पारणा करते समय उनका नाम और गोत्र उच्चारित करते हुए जल यदि छोड़ देंगे तो उनको इस एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। पारणा करते समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है और पारणा करने वाले दिन चावल अवश्य खाना चाहिए क्योंकि चावल को देव अन्न कहा गया है। दशमी और एकादशी 2 दिन चावल नहीं खाया जाता है, लेकिन द्वादशी के दिन या त्रयोदशी के दिन जब भी हम व्रत का पारणा करते हैं उस दिन चावल अनिवार्य रूप से खाना चाहिए। चावल खाने से देव अन्न को सम्मान मिलता है
साथ ही एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, सेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए तथा इस दिन कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं और आपको एकादशी का व्रत रखना है तो आप मानसिक रूप से पूजन अर्चना करके, मानसिक रूप से पारणा का ध्यान करते हुए संकल्प कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा यानी मन में जो विचार करके पूजा की जाती है उसे मानसिक पूजा कहा जाता है। मानसिक पूजा का विशेष महत्व है। मानसिक पूजा आराधना करके भी आप एकादशी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से ही कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ब्राह्मण के मुख से जब हम कथा का श्रवण करते हैं तो हमें जनार्दन यानी भगवान नारायण के मुखारविंद से कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण देवता को भोजन करवाएं, और भोजन नहीं करवा पाते हैं तो उनको आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री दान कर देवे। यदि सामग्री भी दान नहीं कर पाते हैं तो इससे तो नगद धन राशि ब्राह्मण को देकर के ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत आपको धारण करना चाहिए। और यदि आप हमारे माध्यम से कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो हम अवश्य ही आपको संपूर्ण कथा पूरे विधि विधान से सुनाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।